हेलो एवरीवन, सभी को जय श्री श्याम। तो आज है तिथि एकादशी और अभी करेंगे हम लोग पूजा। इनका फास्ट है, मेरा फास्ट है और सासू माँ का फास्ट है। हम तीनों रखते हैं फास्ट। तो सभी श्याम प्रेमियों को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। लक्ष्मी नमस्तुते, नमस्ते गुरुर्वटे कुलसुमेडंकरी सर्व पाप हरि देवी माँ लक्ष्मी नमस्तुते, सर्वज्ञ सर्वार्थे सर्वदृष्टिभंकरी सर्व दुख हरि देवी माँ लक्ष्मी नमस्तुते, सिद्धि बुद्धि प्रदायिनी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र पुत्र सदैव माँ लक्ष्मी नाम। तो आज फिर से मुझे जाना पड़ा अचानक से बिजनौर। तो मैं गई थी बिजनौर कवर लेने और वहां से ले आई थी मैं कवर, और अभी जा रहे हैं गाड़ी पे कवर डालने। तो चलते हैं, फाइनली मिला है। इसके लिए मुझे 3 महीने वेट करना पड़ा। तो चलते हैं अपनी गाड़ी के पास। तो फाइनली आ गई हूँ मैं गियर में और खोल देते हैं अपनी गाड़ी का लॉक और इसमें से एक डस्टिंग के लिए कपड़ा निकालते हैं क्योंकि बाहर इस पे काफी धूल है। तो कवर डालने के बाद आ गई थी मैं और उसके बाद लेके आई दूध और अभी कर रही हूँ प्रेस, क्योंकि कपड़े वैसे तो ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन ये है कि रोज की अगर रोज फिनिश करो तो फिर ज़्यादा बर्डन नहीं होता काम का, तो इसलिए लगाते हैं प्रेस। तो आज था एकादशी का फास्ट, तो आज खाने में बनेगी कुट्टू की पकौड़ी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की ओर। पहले आलू को कट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुट्टू का जो आटा था उसमें आलू मिर्ची और नमक को मिक्स किया और उसके बाद ही बनाते हैं अपनी पकौड़ी। तो यहाँ पे मैंने गोभी को भी कट किया है और ये थोड़ी सी गंदी हो रही है, इसको करूँगी साफ और उसके बाद बनाते हैं गोभी की पकौड़ी। तो ये हैं आलू और कुट्टू की पकौड़ी और ये हैं गोभी की पकौड़ी और उसके साथ है दही और ये वाली मीठी चटनी। तो आइए सर्व करते हैं अपनी पकौड़ी।